प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के विलयन के संदर्भ में चौथा वीडियो पेश कर रहा हूं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लास्ट टर्म पे किए थे, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के संदर्भ में थे और अब अपन विलयन के प्रकार की बात कर रहे हैं। जहां तक विलय और विलायक के संयोग से बनने वाले विलयन के प्रकार हैं, वो भौतिक अवस्था में मोटे तौर पे तीन प्रकार के संभव हैं। पहला द्रव विलयन, ठोस विलयन और गैस विलयन। जब कभी भी अपन द्रव विलयन की बात करेंगे तो इसका मतलब विलायक हमेशा द्रव होगा, ठोस विलयन विलायक हमेशा ठोस होगा, गैस विलयन विलायक हमेशा गैस होगा। इस प्रकार ठोस द्रव व गैस के संयोग से 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं, जिसकी अभी आपको बोर्ड पर उसकी सूची समझाऊंगा। दूसरा, जहां तक विलय और विलय का सवाल है, विलयन की परिभाषा समझा चुका हूं। जब विलय व विलायक को मिश्रित करने पर समांगी मिश्रण बनता है वह विलयन कहलाता है। यहां ठोस द्रव गैस के संयोग से जो 9 प्रकार के विलयन संभव हैं, उनके नाम उदाहरण और साथ में उनके प्रकार को निम्न प्रकार से अपन समझा सकते हैं। जैसे पहला, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। जैसा अभी समझाया, ठोस द्रव गैस विलयन है जिसमें विलायक ठोस, विलय ठोस। द्रव विलयन में विलायक द्रव, विलय द्रव। गैसीय विलयन में गैस व विलायक और विलय भी गैस है। इनके आधार पर जो अभी बताया 9 प्रकार के विलयन संभव हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला गैसीय विलयन। ऐसे विलयन में विलायक हमेशा गैस होता है, विलय ठोस द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। जैसे पहला, विलायक ठोस और विलायक अगर गैस है तो वह गैसीय विलयन का उदाहरण होगा। कपूर में नाइट्रोजन गैस का उपस्थित होना, यानी नाइट्रोजन गैस में कपूर उपस्थित है। ठोसों का ऊर्ध्वपातन जिसमें ठोस सीधा गैस में परिवर्तित होता है, जैसे आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर आदि। दूसरा, विलय ठोस द्रव है और विलायक गैस है, जैसे वायु में जलवाष्प, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म को कहते हैं जो द्रव है आदि। तीसरा गैस, विलय विलायक भी गैस है, दो गैसों का मिश्रण, ये हमेशा एक समांगी मिश्रण होता है। वायु दो या दो से अधिक गैसों का समांगी मिश्रण है, यह भी गैस विलयन का उदाहरण है। दूसरा द्रवीय विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें विलय ठोस, विलायक द्रव, जैसे जल में सुक्रोज, शर्करा, लवण आदि का घुलावा होना। इसी प्रकार अल्कोहल में सल्फर आदि का घुलावा होना, यह ठोस द्रव में ठोस का द्रवीय विलयन कहलाता है। पांचवा, द्रव विलय विलायक विद्रव। दो पूर्णतः मिश्रित द्रव जैसे जल में अल्कोहल, बेंजीन में नाइट्रो बेंजीन आदि, ये द्रव का द्रव में विलयन है। इसमें दो अल्कोहल के लवण मिश्रण को भी जो द्रवीय अवस्था में है उन्हें प्रयुक्त कर सकते हैं। छठा, विलय गैस विलायक द्रव। जैसे सोडा जल, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव में यानी जल में घुली रहती है। अमोनीकृत जल, ये भी इसी का उदाहरण है। तीसरे प्रकार का ठोस विलयन, सातवां नंबर आता है, ठोस में ठोस
यानी विलायक भी ठोस है विलय भी ठोस है, जैसे मिश्र धातुएं एलॉयज, कॉपर और सोना का मिश्र धातु, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु। आठवां, विलय द्रव है, विलायक ठोस है, मरकरी कॉपर में, मरकरी जिंक में, ये अमलगम कहलाते हैं। और नम्मा, विलय ठोस, विलय गैस और विलायक ठोस, गैसों का ठोस की सतह पर अधिशोषण, पांचवें चैप्टर में आप अलग से पढ़ेंगे अधिशोषण, उसमें ठोसों की सतह पर गैसों का अधिशोषण है। पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, निकल प्लेटिनम व पैलेडियम धातुओं की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाती है, यह विलायक ठोस है, विलय गैस है। इस प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर इन तीन विलयनों को यहां समझाया गया है। इन तीनों में आपके कोर्स में डिटेल में जिनका अध्ययन है वह है ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और गैस का द्रव में विलयन। इनके ऊपर अगले टॉपिक में अपन समझाएंगे। इसी प्रकार ये जो दो पॉइंट और दिए गए हैं ये बोर्ड की बुक में नहीं है, ये आपके कंपटीशन पर्पज के लिए हैं। जहां तक इस टेबल का सवाल है, आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में बहुत सी गलत छपी हुई है, इसलिए उससे कंफ्यूजन नहीं करें, वह जो सही है वो मैंने यहां आपको रख दिया है। प्रतिस्थापी ठोस विलयन, ऐसे ठोस विलयन जिसमें एक धातु परमाणु दूसरे धातु परमाणु की त्रिज्या के मुकाबले 15% या उससे कम त्रिज्या वाला हो, वो उनको मिक्स करने पर वे प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाते हैं। इनमें उनके क्रिस्टल जालक में धातु के स्थान पर दूसरा धातु आ जाता है, जैसे कांसा, कांसा जो है वह वास्तव में कॉपर व टिन के संयोग से बना हुआ है। अगर क्रिस्टल जालक में यहां सभी पर कॉपर है तो कुछ स्थानों पर कॉपर की जगह टिन आ जाता है, ये इस बात को बताता है कि ये प्रतिस्थापी ठोस विलयन है। जैसे ये कॉपर का क्रिस्टल जालक में ये कॉपर है तो यहां कॉपर के साथ साथ बीच में कहीं कहीं टिन आ जाता है, कॉपर 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 और बीच बीच में टिन आ गया, ऐसे प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाते हैं। एक और प्रकार का ठोस विलयन है जिसे डी खंड के तत्वों वाले चैप्टर में अपन अलग से पढ़ेंगे, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक के रूप में वहां अपन पढ़ते हैं। ठोसों की सतह पर जो अंतराकाश होते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस में ये दूसरे ठोस चले जाते हैं, जैसे टंगस्टन, एक दो तीन चार, मान लो टंगस्टन के जालक का एक हिस्सा मैं यहां आपको दर्शा रहा हूं, तो ये स्थान जो है ये अंतराकाश कहलाते हैं। और जब इन अंतराकाशों में कोई दूसरा
ठोस आ जाता है तो वह ठोस का ठोस में विलयन है, अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाता है। जहां तक टंगस्टन का सवाल है, वॉल्फियम डब्ल्यू से उसे व्यक्त करते हैं, तो यहां क्रिस्टल जालक में तो सभी टंगस्टन परमाणु उपस्थित हैं, किंतु इनके अंतराकाश में यहां कार्बन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, तो ये अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाता है। सांद्रता की टर्म में एक भाग रह गया था, पीपीएम पार्ट्स पर बिलियन, 10 लाख को मिलियन कहते हैं, 10 की घात 6 के बराबर होता है। जब किसी विलयन में विलय की मात्रा इतनी कम हो कि सामान्य अवस्थाओं में उसको अपन ग्रामों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में अपन पीपीएम को प्रयुक्त करते हैं। वाटर एनालिसिस रिपोर्ट, जो जल का परीक्षण करते हैं पीने के योग्य है या नहीं है, इस प्रकार के वाटर वर्क से जो भी वाटर एनालिसिस रिपोर्ट आती है उसमें उनकी सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। यहां किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में उस विलय का कितना भाग गुलावा है वह उसका पीपीएम कहलाता है। सूत्र के रूप में पीपीएम बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलयन की विलयन का भार ग्रामों में इंटू 10 की घात 6। अगर विलय की ग्रामों की जगह किलोग्राम में मात्रा लेंगे तो विलयन का भार भी किलोग्राम में लेना होगा, यानी दोनों सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में होने चाहिए। जैसे एक प्रश्न करते हैं, समुद्री जल में यदि बीस ग्राम NaCl दस किलोग्राम जल में घुला हो तो पीपीएम का मान ज्ञात करो। चूंकि पीपीएम बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा, तो यहां 20 ग्राम है और विलयन का भार 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से गुणा करना होगा, तो ये आपका आ गया ग्रामों में मात्रा, ये भी ग्रामों में आ गया इंटू 10 की घात 6। ये जीरो इस जीरो से गया तो 2 इंटू ये घात ऊपर चली गई तो -3 हो गया, तो 2 इंटू 10 की घात 3, यानी 1, 2, 3 2000 ppm हुआ।
इस प्रकार किसी भी विलयन में पीपीएम के रूप में परिकलित किया जा सकता है। That's all.